व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने एक गला रेडी करूंगी। सिंपल गला है और बहुत ही इजी तरीके से हम उसको रेडी करेंगे। ये मैंने चेपी ले ली, ये मैंने फ्यूजिंग को इस तरह से डबल कर लिया। अब इसके ऊपर मैं सबसे पहले गले की चौड़ाई लूंगी। स्टैंडर्ड साइज गले की चौड़ाई 3 इंच, 3 इंच पे निशान लगाया। और गले की गहराई जो है वो वैसे तो 5, 5.5 होगी, लेकिन मैं इस पे 5 इंच ही लूँगी। लेकिन मैं क्योंकि मैंने इसके अंदर डिज़ाइन सेट करना है, पहले इसके ऊपर गोल गला इसी तरह सेट होगा। ठीक है, इसके 2 पॉइंट अंदर की तरफ और इसका नीचे से जो गहराई लेनी है वो 3 इंच है, 3 इंच नीचे से गहराई। अब 3 इंच का सेंटर करना है, 1.5 1.5 इंच से ये 2, 1.2 पॉइंट अंदर की तरफ। और ये जो 1/2 इंच का मैंने निशान लगाया था इसको ऐसे, और ये ऐसे। अब इनकी अंदर से थोड़ी थोड़ी इस तरह से मैं गुलाई ले लेती हूँ ऐसे, वो ये ऐसे हल्की हल्की से इनकी मैंने ये गुलाई कर दी। ठीक है, इस तरह से आएगा। अब इनकी जो एक्स्ट्रा कटिंग करनी है वो भी थोड़ी सी इधर से, ये भी गुलाई में आएगी ऐसे, और ये ऊपर से भी इसके साथ साथ तकरीबन 1 इंच के फासले से ये मैं ऐसे आऊँगी और इधर से गुलाई करते हुए मैं ऐसे। अब इसकी भी कम कटिंग कर लेती हूँ। ये मैंने पहले बाहर से कटिंग कर दी, आप ये देखेंगे इस तरह से शेप हमारे पास आ गई है। लेकिन अब इसको मैं कपड़े के ऊपर अटैच करती हूँ। हाँ, ये देखें, अब मैं इसको, ये गला है, ये बैक साइड पे इसकी उल्टी साइड पे जो है गले को, ये मैंने कट पहले लगाए हुए थे ये इसी तरह, ये इधर सेंटर में इस तरह से करके ये मैं इसके ऊपर चिपका लेती हूँ। चिपकाने के बाद फिर इसको हम रेडी करते हैं। ये गला इसके ऊपर मैंने प्रेस कर दिया। अब ये एक्स्ट्रा पीस इसके नीचे रख के ये चेपी के साथ साथ जो है ना वो सिलाई कर दी। ये मैंने इसको सिलाई लगा दी अंदर। अब इसके अंदर वाला जो फैब्रिक है इसको मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक काट देती हूँ। ये इसके अंदर से फैब्रिक काट लिया। अब इनके जो कॉर्नर है यहाँ पे मैं ये कट लगा रही हूँ ऐसे करके, और ये भी कॉर्नर से मैं काट देती हूँ। अब इसको मैं सीधा कर देती हूँ ऐसे। अब
अब इसको प्रेस करके मैं इसकी ये सारी तरफ बिठा लेती हूँ। ये मैंने प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं अंदर से उतार देती हूँ। ये चटनी के साथ साथ ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने काट दिया। अब ये इसको इसके अंदर इस तरह से फोल्ड करके प्रेस कर दूँगी। प्रेस करने के बाद इसकी हीम हो जाएगी। उसके बाद ये जो पीस है इसके अंदर मैंने ये इस तरह से चकोर पीस काट के इसके कोन बनाई हुई हैं। ये इनके कॉर्नर में जो है ना वो थोड़े इस तरह से रख के मैं सिलाई लगा दूँगी। ये इधर आ जाएगा। ये इधर आ जाएगी। अब इसके ऊपर से बूट के फासले के सिलाई लेके आऊंगी और ये इसी के साथ ये अटैच हो गई साथ साथ। हाँ जी, ये मेरा गला कंप्लीट हो गया। ये देखें, ये इसकी ये जो डिज़ाइन मैंने बनाया था इसके अंदर मैंने ये लूप्स लगा के इसको इस तरह से कवर कर दिया। ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसकी इस साइड पे मैं दो बटन जो है ना वो लगा दूंगी। ये इस तरह से जो है ना तो ये तीन बटन इस तरह से लगा रही थी। ये मेरा गला रेडी हो गया। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। ट्रायल आदमी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई लव यू।